ऐसे भी शिव पूजा में बिना त्रिपुंडे न बिना रुद्राक्ष माल्या शिवो न यजित, शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए, त्रिपुंड धारण करके रुद्राक्ष धारण करके ही करनी चाहिए। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, ऐसा शास्त्रों में है। देवो भूत्वा देवो यजित, देव होकर देव की पूजा करें, ऐसा वर्णन शास्त्रों में आया है। लेकिन अब राशि के अनुसार अलग अलग भी रुद्राक्ष मुखी है, तो मेष राशि वालों को एक मुखी धारण करना चाहिए, लेकिन एक मुखी मिलता नहीं है, उनको आठ मुखी रुद्राक्ष अगर मिल जाए वो धारण करें तो लाभ रहेगा। वृष राशि वाले के लिए दो मुखी रुद्राक्ष मिलता है, प्रयास करने से मिल जाता है, वो भी शिव शक्ति के रूप में माना गया है। लेकिन अगर दो मुख मिल जाए तो उसको धारण करना चाहिए, तो सात मुखी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, सात मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मिथुन राशि वाले के लिए जो है सो आप तीन मुखी रुद्राक्ष वो भी मिल जाता है सुलभता से, और छः मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, छः मुखी रुद्राक्ष भी मिल जाएगा आपको, उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो तीन मुखी छः मुखी मिथुन राशि वालों, कर्क राशि वालों के लिए चार मुखी रुद्राक्ष भी मिल जाता है पर्याप्त मात्रा में, चार मुखी पांच मुखी तो उसको धारण करने से लाभ ही है, पांच मुखी सबों के लिए है इसलिए वो धारण कर सकते हैं विशेष रूप से कर्क राशि वाले, और आठ मुखी रुद्राक्ष अगर मिल जाए तो वो भी धारण कर सकते हैं। और सिंह राशि वालों के लिए पांच मुखी तो है ही, सिंह वैसे भी उनके स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य जो है सो द्वादश है, द्वादश महीना है उनका, वही द्वादश आदित्य ही जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, इसलिए उनको पंचमुखी धारण करना ही चाहिए, आठ मुखी धारण कर सकते हैं। और कन्या राशि वालों के लिए तीन मुखी छः मुखी रुद्राक्ष पांच मुखी रुद्राक्ष सभी धारण कर सकते हैं सभी राशि वाले। उसके बाद फिर जो है सो आपको तुला राशि वाले दो मुखी सात मुखी दस मुखी ग्यारह मुखी चार मुखी वो धारण कर सकते हैं, चार मुख में एक भी धारण करें तो लाभ रहेगा। उसके बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए आठ मुखी पाँच मुखी और चार मुखी ये तीन ठो धारण करें लाभ रहेगा। उसके बाद जो है सो फिर धनु राशि वालों के लिए नौ मुखी पांच मुखी और जो है सो बारह मुखी अगर मिल जाए तो लाभ देगा। उसके बाद फिर है मकर राशि वालों के लिए दस मुखी ग्यारह मुखी दो मुखी सात मुखी चार मुख वो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, एक रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, माला भी धारण कर सकते हैं। और कुंभ राशि वालों के लिए दस मुखी ग्यारह मुखी सात मुखी दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। उसके बाद जो है सो मीन राशि वालों के लिए नौ मुखी बारह मुखी और जो है पांच मुखी धारण कर ही सकते हैं, चार मुखी भी धारण कर सकते हैं, ऐसे राशि के अनुसार हैं। चौदह मुखी रुद्राक्ष जो है उसे गौरी शंकर बोला जाता है, वो जरा ऊँचा महंगा चीज़ होता है, उसको सलाह पर ही धारण करें, सब कोई धारण नहीं करें, वो विशेष पूजा के लिए धारण किया जाता है।